नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। सकते पीजी कॉलेज ऊना से आपके साथ लाइव जुड़ रहे हैं, जहां पर लड़कियों के बीच कबड्डी मैच में भिड़ंत हो रही है। ये प्रदर्शनी मैच यहां पर शुरू किया गया है। आज क्रीड़ा उमंग कार्यक्रम का आयोजन पीजी कॉलेज में किया जा रहा है। हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में इस मैच का आयोजन किया गया। और इस शोरगुल से आप निश्चित रूप से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या माहौल है इस वक्त मैच को लेकर। हालांकि कड़ी धूप, शानदार कैच इन लड़कियों का। तो एक बार फिर यहां पर टीम तैयार। नंबर 3 में साक्षी रेड लगाए हैं और गर्ल्स इन ब्लैक इनकी पूरी तरह से यहां पर काबू करने की हालांकि यहां पर स्ट्रेटेजी थी, लेकिन तेज तर्रार ये युवतियां, तेज तर्रार ये खिलाड़ी यहां पर देख सकते हैं आप किस तरह से पूरी। तो कबड्डी की हम अगर बात करते हैं तो ये देखिए बेहद शानदार, बेहद इजी कैच। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, अपने जमाने के स्टार रह चुके हैं पद्मश्री अजय ठाकुर, वर्तमान में ऊना जिला मुख्यालय के डीएसपी हेडक्वार्टर्स बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। और कड़ी धूप, भीषण गर्मी के बीच निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के जज्बे को सलाम जो इस वक्त एक शानदार। और ये देखिए नहीं जा पाया हाथ आगे। जी बिल्कुल, रेडर के पक्ष में दिया गया है फैसला। साक्षी एक बार फिर से रेड लेकर विरोधियों के पाले में। तो केवल 3 खिलाड़ी बचे हैं सामने वाले पाले में और एक तरह से। और ये देखिए 3 खिलाड़ियों ने शानदार कैच लगाया है, बेहद शानदार कैच। हालांकि ये बेहद छोटे कद की खिलाड़ी थी, लेकिन जिस मुस्तैदी के साथ ये कैच लगाया वो निश्चित रूप से अपने आप में यहाँ पर बेमिसाल। और महज 3 खिलाड़ियों ने बैकफुट पर धकेल दिया है एक सीनियर टीम को और यहाँ पर रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर हो चुकी है ये खिलाड़ी। और विसल के साथ ही वापस आना होगा। पूरी तरह से जांच परख करते हुए, विरोधियों के धैर्य की परीक्षा लेते हुए, विरोधियों का संयम परखती हुई ये खिलाड़ी। कबड्डी यहां पर और अब टारगेट किया जा रहा है, नंबर 3 को टारगेट किया जा रहा है क्योंकि। और ये देखिए इसीलिए इसको टारगेट किया जा रहा था, इसीलिए इस खिलाड़ी को टारगेट किया जा रहा था नंबर 3 की जर्सी में, नंबर 3 की येलो जर्सी की ये खिलाड़ी, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से अपनी रेड्स में विरोधियों को चारे खाने चित्त किया है, वहीं डिफेंस में भी ये खिलाड़ी अपनी लगातार मौजूदगी दर्ज करवाती आई है। और एक बार फिर ललचा रही है कि आइए चैलेंज। और ये देखिए एक
तो विरोधियों के जो शानदार दो रेडर्स थी उन्हें बाहर बैठने पर मजबूर कर दिया है। कड़ी धूप, भीषण गर्मी, भयंकर उमस के बीच ये मुकाबला माहौल में और गर्माहट पैदा कर रहा है। यहाँ पर सचिन अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े, गुड आफ्टरनून सर, स्ट्रीम को सभी लोग जरूर शेयर कीजिएगा। आज हॉकी के जादूगर कहे जाने वाले मेजर ध्यानचंद की जयंती है। वर्ष 1905 में जन्मे, 1979 में कैंसर के चलते उनका देहावसान हुआ और आज उनकी जयंती के अवसर पर पीजी कॉलेज में क्रीड़ा उमंग कार्यक्रम का आयोजन किया और यहाँ पर क्रीड़ा उमंग के तहत ही इस रोचक मैच को देखने का मौका मिला। ये देखिए, बेहद क्लोज सी खिलाड़ी और ये आउट करार दी गई है। खिलाड़ी कोर्ट के बाहर थे। और ये देखिए, फिर से शानदार कमाल कैच, बेहद शानदार और बेहद कमाल कैच। ये 3 नंबर की जर्सी में बिजली की तरह तेजी जैसी ये खिलाड़ी, और इसका तोड़ नहीं ढूंढ पा रही है विरोधी टीम की खिलाड़ी। और ये देखिए, और इस बार पुश किया और ले लिया है इस बार। तो कहीं ना कहीं ये खिलाड़ी बेहद अहम अपनी टीम के लिए थी और आउट होकर कोर्ट से बाहर जाते हुए टाइम आउट हुआ है। और कोचेस भी यहां पर अपने खिलाड़ियों को पूरी तरह से सिखाते हुए कि किस तरह से आपको मुकाबला करना है। और यकीन मानिए, भीषण गर्मी भरे इस माहौल के बीच इस मैच में जिस तरह से गर्माहट ला दी है, माहौल बेहद यहां पर तनावपूर्ण। हालांकि ये कबड्डी का मैच, हालांकि ये प्रदर्शनी मैच, लेकिन यदि प्रदर्शनी मैच इस तरह की गर्माहट भरा है तो फिर यकीन मानिए इस प्रतियोगिता के बाकी के मैच निश्चित रूप से बेहद शानदार जानदार होने वाले हैं। तो अब नंबर 3 बाहर है और अब इन तीनों के लिए चुनौती है। और ये देखिए, 2 खिलाड़ियों को ले लिया है। अब केवल मात्र 1 रेडर यहां पर बची है। भगत राम लालटा जी, गुड आफ्टरनून सर। और ये देखिए, और 3 खिलाड़ियों को ओम प्रकाश नेगी जी, और ये देखिए 2 खिलाड़ी को बाहर कर दिया है। निश्चित रूप से धूप बहुत है, गर्मी बहुत है और ऊना का ये माहौल है तो आप समझ सकते हैं क्या माहौल यहाँ पर होगा, लेकिन ना इस गर्मी पर ये खेल भारी यहाँ पर होते हुए। बोनस पॉइंट पहले प्राथमिकता रहती है और उसी के तहत यहाँ पर एक बार फिर देख सकते हैं आप इस वक्त पूरी तरह से इस खेल में अपने आप को बनाए रखने का प्रयास दोनों टीम्स करते हुए। हालांकि शानदार आगाज किया था एक आउट करार दिए गए हैं, अंपायर का फैसला अंतिम फैसला यहां पर रहता है। और एक बार फिर यहां पर रेड के लिए तैयार खिलाड़ी, घेरेबंदी देखिए किस तरह से की गई है, बोनस लाइन को पूरी तरह से कवर कर लिया है ताकि बोनस लाइन तक भी खिलाड़ी को नहीं पहुंचने देना है। ये साफ तौर पर यहां पर एक चैलेंज देते हुए रेडर के लिए डिफेंस की लाइनअप, इशारा हो चुका है कि आप अटैक करें, लेकिन 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 रिस्क हो सकता है तो आप
और ये देख सकते हैं आप, गर्दन ही लाइन से पार कर दी, हाथ तो छोड़ दीजिए। और एक एक करते हुए कई खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। और एक बार फिर गर्ल्स इन ब्लैक आर ऑन द टॉप। ये मैच ऊना में हो रहे हैं जनाब, ऊना, गुलाब सिंह तोमर जी किस किस के बीच। ये ऊना का प्रदर्शनी मैच इन गर्ल्स के बीच चल रहा जी, पीजी कॉलेज की टीम्स में। और अब यहां से टाइम आउट दिया गया है, स्ट्रेटेजी, आप पानी पी सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर आप डिस्कस कर सकते हैं। ऊना पीजी कॉलेज में आज एक कार्यक्रम का आयोजन क्रीड़ा उमंग के नाम से किया जा रहा है। और यकीन मानिए आज हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और विभिन्न टीम्स के बीच कबड्डी के रोचक मुकाबले यहां पर देखने को मिलेंगे। बहरहाल डीएसपी हेडक्वार्टर्स और कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार अजय ठाकुर यहां पर बतौर मुख्य अतिथि तशरीफ फरमा हुए हैं। और इस मैच का आयोजन प्रदर्शनी मैच के रूप में किया गया है। और दोनों ही टीम्स इस वक्त ड्रिंक्स ब्रेक इनको दिया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर दर्शक मौजूद हैं, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, खेल गतिविधियों से जुड़े तमाम स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद हैं। और यहां तक कि इस कॉलेज के प्राध्यापकों में भी इस मैच को लेकर खासा उत्साह। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक एंड सी के पेज को लाइक एंड फॉलो करना बिल्कुल मत भूलेगा। एक बार फिर यहां पर विसल के साथ रेफरी ने बुला लिया है कि आ जाइए मुकाबले के लिए तैयार रहें। और रेड के लिए बोल दिया गया है। तीन ही खिलाड़ी बची हैं और निश्चित रूप से यहां पर चिल चलाती धूप, कड़ी गर्मी, उमस भरा ये माहौल और उस पर ये शानदार जानदार मैच। और मैच भी ऐसा कि पूरी तरह से माहौल को तनावपूर्ण कर दे। नंबर तीन की जर्सी में वो तेज तरार खिलाड़ी साक्षी इस वक्त बाहर हैं। और निश्चित रूप से टीम को एक मजबूत सहारा दिया था जब विरोधियों की धज्जियां उड़ाने में वो कामयाब रही थी, लेकिन अब उसे बाहर बिठा दिया गया, टारगेट किया पूरे तरीके से, सुनियोजित तरीके से, और चैलेंज किया जा रहा है कि आइए अगर हिम्मत है तो बढ़कर दिखाइए। आई वेलकम ओएसए प्रेसिडेंट मिस्टर वरुण पुरी जी, he also sponsored this event. Thank you very much for this. तो ये है उनके डू और डाई रेड इंस्ट्रक्टर। और ये देख लीजिए शानदार कैच, जद्दोजहद जारी है, लेकिन और ये देखिए डू और डाई जो रेड थी उसमें जीत हासिल की है और नंबर तीन को वापस लाया गया है यहाँ पर। और ये वो नंबर तीन की खिलाड़ी जो विरोधियों के लिए चिंता का विषय रही हैं, एक बार फिर यहाँ पर मैदान में प्रवेश करते हुए। कड़ी धूप में मेहनत की, पसीना बहाया, इस खिलाड़ी को बाहर किया, स्ट्रेटजी के तहत पूरे मुकाबले को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया, लेकिन और ये देखिए फिर से बाहर। फिर से बाहर कर दिया गया है। Thank you.
देख सकते हैं आप, एक शानदार मुकाबला यहां पर चलते हुए लड़कियों के बीच। सोना भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका भी सोना। निश्चित रूप से इन गर्ल्स ने शानदार गेम का मुजाहिरा यहां पर किया है। तो फिर से तीन, और ये देखिए गलत रणनीति के तहत हाथ डाल दिया, बाहर का रास्ता देखना पड़ा नंबर 14 को। थैंक यू सर। और ये देखिए राजकुमार सर फॉर वोट ऑफ थैंक्स। चल चल चलो। तो अब केवल मात्र एक हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि खिलाड़ी श्री अजय ठाकुर जी। और ये देखिए हो चुका है काम, लाइव एच टीवी के लिए ऊना से।